आइए कॉर्पोरेट रडार में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं 1986 में शुरू हुई कामत होटल्स की। 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली कामत होटल्स कामत ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जो क्लब रिजॉर्ट हेरिटेज होटल्स चलाती है। कंपनी का 5-स्टार ब्रांड द ओर्किड दुनिया भर में बहुत ही जाना पहचाना नाम है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम उनके मौजूदा डिमांड ट्रेंड को समझेंगे, ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के किस तरह के प्लान है, विस्तार योजनाएं, ग्रोथ आउटलुक, इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। आइए वेलकम करते हैं कंपनी के CMD विट्ठल कामत साहब का। मिस्टर कामत सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, आपके लेटेस्ट नंबर्स पे थोड़ा सा मैं पहले फोकस करना चाहूँगी। हमने देखा है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स जो रहे उसमें हमेशा आपकी मार्जिन की रेंज 27 से 35% बड़ी अच्छी बनी रही। जो पिछला क्वार्टर हमने देखा उसमें एक बड़ा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन आया है, सर कोई खास कारण है इसके पीछे? 2-3 कारण है कि जो भी जहां हमारे जो जैसे PMC के नए रूल आए या उनका कुछ जो ये चार्जेस भरने थे वो टाइम पे भर गए, अभी जो भी पेंडिंग था और जहां भी पैसा देना था वो पैसा पूरा क्लियर करके पूरा जो बुक्स पूरे क्लियर कर दिए हैं। और दूसरा ये कारण था कि इस बार इलेक्शन में जो है वो ऑक्यूपेंसी जरा डिप हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन जब आता है तो लोग बाहर ज्यादा घूमने जाते नहीं है, लोग वैसे रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, तो वो एक कारण, दूसरा एक कारण था। अब आगे क्या वापस से आप ये 27-35% वाली रेंज में मार्जिन आते हुए दिखेगी? अब इस साल के लिए, इस वित्त वर्ष के लिए क्या मार्जिन आउटलुक आप सेट कर रहे हैं? ऐसा है, ये जो बेंचमार्क है इसके आगे ही जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए सब तैयारी करते हैं। ये प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स प्रॉब्लम वाली बात होता है, तो ये सब जो है इसके ये देखते रहे कि 27 से 35 के बीच में आगे ये रहे। ओके, अच्छा सर, जब इस वित्त वर्ष की शुरुआत हुई थी FY25 की, तो आपकी कंपनी ने गाइड किया था कि 400 करोड़ का रेवेन्यू, 140 करोड़ के आसपास का एबिटा रहेगा। क्या इसी गाइडेंस को आप बरकरार रखेंगे या इसमें और फर्दर इम्प्रूवमेंट की संभावना है? ऐसा है, फर्दर इम्प्रूवमेंट हर एक चेयरमैन यही चाहता है कि इम्प्रूवमेंट करे। अभी जो हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें भी यही सोचा कि ये लक्ष्य रखना है, इसके आगे जाना है। एक बेंचमार्क, मिनिमम बेंचमार्क होता है, उसको पार करना ये कंपनी का ध्येय है। ऑलराइट, अच्छा सर, आपने तो ये अपने पहले जवाब में ही मेंशन किया कि किस तरह से इलेक्शंस के कारण थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी यहाँ पर प्रभावित रही है। नाउ दैट इलेक्शंस आर बिहाइंड अस, अब त्योहारी सीजन है, शादियों का सीजन आगे आ रहा है, किस तरह का ऑक्यूपेंसी ट्रेंड आप देख रहे हैं? एट प्रेजेंट जो ऑक्यूपेंसी ट्रेंड है अराउंड 82-85% है, जो अच्छा है। दूसरी बात यह है कि अभी शादियों में हमारे हर होटल में शादियों के लिए बैंक्वेट हॉल और एंगेजमेंट के लिए जगह है, तो हम ये सोचते हैं, और वैसे भी बुक्स में अच्छी तरह से बिजनेस आ गया है और आएगा और कोशिश चालू है, और इसकी हमारी जो बैंक्वेट की डिवीजन है दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड। तो तीसरी बात यह है कि पहले जो 500-800 और जो बड़े 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 पंडाल में शादी होती है अभी वो कम हो गई है, तो होटल में शादी करने का जो रिवाज है वो बढ़ गया है। तो ये आशा है हमको कि इस बार और अच्छा बैंक्वेट में ज्यादा सेल हो जाएगी। अभी लोग जो बाहर गांव से आते हैं उनको तो रूम देना ही पड़ते हैं रहने के लिए, और ये रिवाज हो गया है, तो उस हिसाब से इस होटल में हमारे 372 रूम्स है और बाकी जगह भी पुणे में भी ज्यादा है। और शादी अभी अयोध्या में हमने जो चालू किया है वहां 350 लोगों का बैंक्वेट हॉल है, तो वहां भी शादियां जो है उसकी बुकिंग, और लोग ये सोचते हैं कि अयोध्या में शादी करने से लंबा फैमिली का स्नेह बनता रहेगा, तो उस हिसाब से वहां भी लोग आते हैं अभी। ऑलराइट, वेरी वेल। अच्छा सर, आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं ओवरऑल समझना चाह रही थी कि क्या ARRs में कोई बढ़ोतरी देखने को मिल रही है या आगे मिल सकती है? ये आपने अच्छा सवाल पूछा। ARR अभी जो है ईयरली ऐसे देखा जाए तो 6% बढ़ता ही है, तो उस हिसाब से हमें उम्मीद है। और एट प्रेजेंट जब आपकी ऑक्यूपेंसी जब 75% से ऊपर जाती है तो रेट्स उस हिसाब से उस दिन के भी चेंज हो जाते हैं। तो जैसे कल बंबई में कोई फंक्शन होगा और कोई बड़ा फंक्शन होता है,
तो फिर बंबई में रूम्स का शॉर्टेज हो रहा है अभी एट प्रेजेंट। वैसे बाकी जगह जो है वैसे ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगी, 5 से 7% में ARR बढ़ने वाले हैं। 7% तक ARR बढ़ेंगे। अच्छा सर, आपके डेट पे थोड़ा सा अब फोकस करते हैं। ये जो पहला क्वार्टर था, ये ख़त्म होने तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कंपनी का डेट 130 करोड़ के आसपास का रहा है। तो सर, इसको और फर्दर रिड्यूस करने का, कम करने का क्या प्लान है सर? ऐसा है, डेट कम करने के लिए जो वहाँ रिनोवेशन जो थे और बाकी चीजें थी वो हमने इंटरनल अक्रूवल से किए हैं, तो मोस्टली जितने होटल है एक्सेप्ट वन सबका जो रिनोवेशन हो गया है। रिनोवेशन होने से वो इंटरनल अक्रूवल से किए हुए हैं, इसीलिए वो यार जब अभी रेट बढ़ाते हैं आप तो आपको रूम्स भी अप टू डेट करना पड़ता है, और उस हिसाब से हम कर रहे हैं अभी। ओके, ऑलराइट। अच्छा सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 से 7 कंपनियों का आपका कैपेक्स है, वो लाइंड अप है। तो सर, एक बार ज़रा उस पर अपडेट देंगे, कब तक ये कंप्लीट हो जाएंगे, कितने रूम्स आप ऐड कर रहे हैं? रूम्स में ऐसे है कि वी हैव साइंड, अभी तो 3 और होटल साइन किए हैं और दिल्ली में साइन किया है। वैसे यहाँ और 2-3 जगह जो आ रहे हैं और 4-5 पाइपलाइन में हो, साइन होने के बाद आपको बता ही देंगे हम। यू विल बी द फर्स्ट वन, जब जब सेबी को बताएंगे उसके बाद आप ही को बताएंगे हम। और अभी लोग आ रहे हैं क्योंकि अभी इसके बाद जो नए ब्रांड किया इरा है उसमें मैनेजमेंट और ऑर्किड में भी कैपेक्स कम रखकर मैनेजमेंट के लिए होटल ले रहे हैं, और मैनेजमेंट को जो होटल ले रहे हैं वो लोग हमारे पास आते हैं अपना भी, हमारा जो जो चल रहा है बिजनेस दे आर सेटिस्फाइड। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग एक नया वेजिटेरियन जो रेस्टोरेंट विंध्यास है वो हर एक होटल में रख रहे हैं, और ये कोविड के बाद लोगों में खाने पीने की जो स्टाइल है वो चेंज हो गई है, और हर आदमी ये चाहता है कि हमको साफ सुथरा और सबसे इम्पोर्टेंट खाना भी बढ़िया मिले। तो उस हिसाब से ये दोनों चीज कर रहे हैं, और 3 नए होटल के साथ में मैनेजमेंट करार हमने कर लिया है। ये तीनों नए होटल दिल्ली में ही है ना सर? नहीं जी, एक दिल्ली में, अलग अलग जगह अच्छा ये 3 जगह अलग जगह है। मैं आपको पहले बता ही दूंगा जी, और बिल्कुल सेबी को बताने के बाद आप ही को पहले ऑफ बताओ, कोर्स क्योंकि आप लोगों में तो स्पर्धा रहती है ना, तो जी आपको ही जी बताओ। जी अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आपने अयोध्या का जिक्र किया, जिस तरह से रिलीजियस टूरिज्म है हम देख रहे हैं उसको बढ़ावा मिल रहा है, बहुत सारे यहाँ पर होटल्स हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं जो इसके आसपास काफ़ी चीज़ें प्लान कर रही हैं, इसके मद्देनज़र और कोई ऐसे लोकेशंस हैं, ज्योग्राफीज़ हैं जिनको आपने स्पॉट किया है कि वहाँ पर रिलीजियस टूरिज़्म का भी फ़ायदा मिले? हाँ जी, आपने, मुझे लगता है आपको हमारी इंडस्ट्री में ही आना चाहिए क्योंकि व्हाट जो हम करने जा रहे हैं वो आपको पहले ही पता चलता है, तो ये कमाल है। लेकिन कामत होटल जो संस्था, इसकी शुरुआत जो हुई है वो वेजिटेरियन खाने से हुई है। हमारी इडली डोसा और जो खाना है हमारा वो मशहूर है, वैसे ही हमारे बम्बई में जो रेस्टोरेंट्स है वो भी मशहूर है। तो हम लोगों ने कम से कम ऐसे 5-6 जगह देखी हुई है, लेकिन जब तक फाइनल होता है, साइन हो जाता है तो आपको बताएंगे। और मोस्टली हमको ये देखा है रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, प्रेफरेंस हमको मिलता है, क्योंकि वेजिटेरियन खाना और शुद्ध शाकाहारी खाना लोगों का पसंद है। तो अभी इससे जा रहे हैं, नया जो इरा का मॉडल है उसमें सेकेंड टीयर सिटी में भी कोशिश कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जैसे जो नए नए छोटे जो शहर हैं उसमें होटल की जहाँ कमतरता है वहाँ हम लोगों का टारगेट कोशिश चालू है। सर एक आखिरी सवाल, ओवरसीज मार्केट, यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन का इरादा है? तो सही, लेकिन होने के बाद आपको बता दूंगा, क्योंकि 3-4 जगह बस से इतना बता पहले। दीजिए कि क्या इस वित्त वर्ष में कोई प्लान है या कोई बातचीत जारी है? हाँ यस, ये आपकी बातचीत जारी है, बात सही है, और ये जब फाइनल हो जाती है, ओवरसीज भी है और छोटे शहरों में भी है। तो इसका क्या होता है मैडम कि सबसे इम्पोर्टेंट अभी जितने होटल ग्रुप है सब ग्रुप अभी तैयार हो रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका भी हो जाए, क्योंकि आजकल कोई भी होटल जो इंडस्ट्री है और हमारे जैसे एस्टेब्लिश्ड है वो हम लोग कैपेक्स करना नहीं चाहते हैं। हम अभी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास
खुद का ट्रेनिंग सेंटर है और अच्छा स्टाफ है, ट्रेनिंग होते रहती है, तो लोगों को अभी मैनेजमेंट करने वाले अच्छे जो है उसमें हमारा नंबर आता है, तो आशा है कि और होटल मिलेंगे और होटल चलाएंगे। ऑलराइट मिस्टर कामत, थैंक यू सो मच सर समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी की विस्तार योजनाओं के बारे में दर्शकों को बताने के लिए धन्यवाद।